ये पहुंच चुका हूं अपनी दुकान पर और यहां पे हमने गाड़ी खड़ी करी है। ये जो सामने आपको एक शॉप दिख रही है वो है अपनी शॉप। ये है पूरी मार्केट हमारी। ये देखो, ये हो गया है इतना सारा बिखेरा हेयर क्लिप्स का, क्योंकि अभी मैंने चलाया था एक कस्टमर। ये है अपनी दुकान का सेकंड फ्लोर। यहाँ पे हम कांच का चूड़ियों का कलेक्शन रखते हैं। और आप इधर देखोगे दोस्तों, तो दोस्तों 10:30 बज चुके हैं और मैं ना करके रेडी हूँ, बस बाल सेट करने हैं और नाश्ता खा के दुकान पे पहुँचना है। करीब 11 बजे तक हम दुकान पे पहुँच जाते हैं। पूरी मार्केट का टाइमिंग मोस्टली यही रहता है 11 बजे का खुलने का। पर आज एक प्रॉब्लम ये है कि आज बारिश पड़ रही है बहुत तेज। ये देखो दोस्तों बहुत तेज बारिश पड़ रही है। हालांकि मेरे पास अभी दुकान जाने में आधा घंटा है और तब तक मैं नाश्ता भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये आ चुका है मेरा नाश्ता और आज मम्मी ने बनाए हैं आलू के पराठे, मेरे फेवरेट हैं बहुत। और आधा घंटा है अभी दुकान जाने को, तो तब तक मैं नाश्ता भी खा लेता हूँ और देखते हैं अगर बारिश भी रुक जाएगी तो ईजिली दुकान की तरफ चल लेंगे, नहीं तो थोड़ा वेट करना होगा। तो दोस्तों नाश्ता खा के और बाल सेट करके मैं हो चुका हूँ रेडी और बारिश भी हो चुकी है पहले से कम, तो अब हम बिल्कुल रेडी हैं दुकान पर जाने के लिए। सो मेरी दुकान का रास्ता मेरे घर से करीबन 1 किलोमीटर दूर है और हम नॉर्मली 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और बूंदाबांदी भी थोड़ी थोड़ी हो ही रही है। ये पहुँच चुका हूँ अपनी दुकान पर और यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी है। ये देखो, ये हमारी दुकान का नाम है गुरु कृपा हॉजरी एंड फैंसी स्टोर। अपनी दुकान के अगर मार्केट का थोड़ा व्यू दूँ तो देखो, ये ऐसी अंदर एक मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, काफ़ी अलग अलग टाइप की दुकानें हैं और बेसिकली क्या है, ये एक तरह का शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं और यू नो अलग अलग टाइप की दुकानें हैं, तो सबको ये सारी अलग अलग चीज़ें एक जगह पर मिल जाती है। तो दुकान खोलते खोलते बीच में कस्टमर्स आ गए थे तो उनको हमने सामान दिया और इसी बीच थोड़ी देर के लिए लाइट भी चली गई थी, तो बड़ी गर्मी हो रही थी क्योंकि बारिश के बाद काफ़ी उमस भी हो जाती है। और अभी जैसे कुछ सामान दिया है तो कुछ काउंटर पे माल भी बिखरा हुआ है, तो अभी मैं उनको माल को सेट करूँगा, फिर अच्छे से दुकान को क्लीन अप करके फिर हम बैठेंगे और फिर आगे का कुछ काम करेंगे। तो साफ़ सफाई करके अभी हमारी दुकान हो गई एकदम चकाचक और सारा सामान हो गया रेडी और दुकान लग रही है बिल्कुल सुंदर। ये देखो, ये हो गया है इतना सारा बिखेरा हेयर क्लिप्स का, क्योंकि अभी मैंने चलाया था एक कस्टमर और उस कस्टमर को अपनी बेटी के लिए हेयर क्लिप्स चाहिए थे, तो मैंने अपनी दुकान को जो भी प्रीमियम वाला कलेक्शन था हेयर क्लिप्स का वो सारा निकाल के दिखा दिया। तो अभी ये सारा हेयर क्लिप्स का कलेक्शन हम एक कट्टे में डाल रहे हैं, सारा सेटिंग वाइज डालेंगे नहीं तो माल ख़राब हो जाएगा। ये देखो फ्रेंड्स, कितने सारा कलेक्शन है हेयर क्लिप्स का, ये तो सारा प्रीमियम कलेक्शन है। वैसे क्या है, जिसको सिंपल कलेक्शन चाहिए होता है तो हम उनको यहाँ पे ऊपर से दिखाते हैं। ये कार्टून जो आप देख रहे हो इनमें हम सिंपल हेयर क्लिप्स रखते हैं और जिसको कोई फैंसी चाहिए होता है तो वो नीचे से हम फैंसी वाला लेकर के आते हैं। तो अभी कस्टमर को फैंसी वाला ही चाहिए था। फ्री हुआ हूँ कस्टमर से ला करके और देखो कितना ज़्यादा बिखेरा हो गया है शॉप में। देखो ये सारी चूड़ियाँ यहाँ पर बिखरी हुई है, देखो ये सारी चूड़ियाँ यहाँ बिखरी हुई है, यहाँ रबर बैंड्स बिखरे हुए हैं, यहाँ नीचे सामान बिखरा हुआ है, यहाँ पे ये देखो ये सारे नेल पेंट लिपस्टिक्स के बॉक्सेस, ये इयरिंग्स के बॉक्सेस, यहाँ पे ये सब बिखर जाता है जब अगर भीड़ होती है दुकान में। और अब मुझे ये सारा सामान सेट करना है। तो दोस्तों आज क्योंकि वेडनेसडे है तो आज के दिन में काफ़ी कंपनियों का जिनको हम ऑर्डर देते हैं उनका माल आता है। तो अभी रिसेंटली मेरे पास में एक शहनाज़ हुसैन का माल आया है, तो आया था तो मैंने सोचा आपको दिखा भी देता हूँ। देखो दोस्तों, ये है शहनाज़ हुसैन की कलर स्टिक, ये बालों में लगाते हैं जिससे कलर आता है बालों में। 3 पीस मैंने ऑर्डर किए हैं, ये इसका बिल है। जब भी कोई माल आता है तो उसके साथ एक बिल आता है, बिल में एक बिल ओरिजिनल होता है और एक उसकी कॉपी होती है। तो जो भी ओरिजिनल बिल होता है उसको हमको साइन करके उसको डिलीवरी बॉय को देना होता है ताकि उसके पास एक प्रूफ रहे कि उसने माल हमको दिया है, और साथ में हम डेट भी लिखते हैं कि कौन सी डेट को उसने माल दिया है हमको। तो ये 3 कलर स्टिक्स मैं अपने इस कोने वाली रैक पर लगाऊंगा। यहाँ पर आप देखोगे कि और भी माल पड़ा हुआ है, जैसे निविया की बॉडी रोलॉन्स है और ऑलरेडी यहाँ पर शहनाज़ हुसैन की यहाँ पर कलर स्टिक पड़ी है। मेरे पास 3 कलर स्टिक तो ऑलरेडी थी, फिर भी मैंने 3 और ऑर्डर करी क्योंकि तो पहले जो मेरे पास पड़ी थी उनका जो कलर था वो ब्लैक था। इसमें 2 कलर आते हैं, एक ब्लैक आता है और एक ब्राउन कलर आता है। नेचुरली जो बाल होते हैं वो या तो ब्लैक होते हैं या ब्राउन, मोस्टली लोग कैसे होते हैं, तो जो ज़्यादा चलता है वो होता है कि ब्लैक कलर और ब्राउन कलर। तो ब्लैक मेरा पड़ा था तो मैंने 3 पीस ब्राउन की ऑर्डर किया, तो इनको मैं यहाँ पर सेट करके और इस शीशे को कर दूँगा मैं बंद। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर माल सेट। तो दोस्तों अब मैं आपको मेरी शॉप का कंप्लीट टूर करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी शॉप बाहर से कैसे दिखती है, फिर आपको अपनी शॉप के अलग अलग सेक्शंस में ले जा कर के दिखाऊंगा कि हर सेक्शन में हम क्या क्या सामान रखते हैं। ठीक है, और इस मार्केट में बेसिकली हमारी 2 शॉप्स हैं, एक तो कॉस्मेटिक की शॉप है और एक है गारमेंट्स की शॉप। तो पहले मैं कॉस्मेटिक्स की शॉप का आपको दिखाऊँगा, फिर मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू हमारी गारमेंट्स की शॉप का भी दिखाऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है मेरी शॉप बाहर से। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको साइड से दिखाता हूँ।
देखो इस अलमारी में हम रखते हैं पर्सेस, तो जो भी पर्सेस का कलेक्शन होता है वो हम यहाँ पे इस अलमीरा में रखते हैं, ठीक है। मेन डिस्प्ले के लिए पर्सेस यहाँ पे रहते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा कलेक्शन है, जो क्वांटिटी है, वो हम ऊपर सारा फर्स्ट फ्लोर पे रखते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे बड़े साइजेस के पर्स रखे हुए हैं, और नीचे आप देखोगे कि छोटे साइज के, मीडियम साइज के स्लिंग पर्स यहाँ पे रखते हैं हम। थोड़ा सा राइट की तरफ चलेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे बिंदीज के जो कार्ड्स आते हैं वो टंगे हुए मिलेंगे यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे सिंपल बिंदीज का सारा कलेक्शन हमारा यहाँ पे रहता है। और ऊपर वाली ब्लॉक में जो आप देख रहे हो वो है सारी मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। जो मेरे चैनल की फीमेल ऑडियंस है वो समझ पाएंगी कि हेयर स्ट्रेटनिंग की जो मशीन्स आती है, चाहे वो वेगा ब्रांड हो या हेयर कर्लिंग वाली या ट्रिमर मशीन्स जो आती है, वो सारी हम रखते हैं हमारी शॉप में, और वो सारा कलेक्शन हम यहाँ पे रखते हैं इस वाले ब्लॉक में। इसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको एलोवेरा जेल्स का स्टॉक मिलेगा, यहाँ पे साथ में कुछ डिटेन स्क्रब वगैरह भी रखते हैं हम। और थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आप कुछ देख रहे हो कि यहाँ डब्बियाँ बहुत सारी पड़ी हैं, रेड कलर की, येलो कलर की डब्बियाँ। तो बेसिकली ये क्या है, कांच की चूड़ियाँ हैं। यहाँ पे हम कांच का चूड़ियों का कलेक्शन रखते हैं। और आप इधर देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे तो हर एक डब्बी के बाहर आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ लाल, तो इस डब्बी के अंदर लाल रंग की चूड़ियाँ हैं। जैसे इस डब्बी के अंदर तोतई रंग यानी कि पैरट ग्रीन रंग की चूड़ियाँ हैं, मैरून रंग की है। और इसका साइज़ क्या है, तो चूड़ियों में साइज़ आते हैं, जैसे 2.8 आता है, 2.4 आता है। तो ऐसे हमने सारा क्या है, ये पूरा कलेक्शन ऐसे ही क्लासीफाई कर रखा है ताकि जब भी कोई कस्टमर आए और जो भी कलर की वो चूड़ी मांगता है, जो भी साइज़ की चूड़ी मांगता है, हम उसको उससे वही डब्बी निकाल करके और दे दें। इससे क्या हमारा भी टाइम बचता है और कस्टमर का भी टाइम बचता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ स्क्रंचीज़ है, क्लेचर्स है। स्क्रंचीज़ लेडीज़ अपने हाथ में पहनती हैं, क्लेचर्स बालों में लगाती हैं लेडीज़, ठीक है। ऊपर अगेन वही कांच की चूड़ी की डिब्बियाँ हैं। और उससे ऊपर देखोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर ये ब्लू ग्रीन पीच कलर के बॉक्सेस हैं, यहाँ पे बिंदीज रखी हुई है फैंसी। तो दोस्तों यहाँ तक का मैंने पूरा ओवरव्यू आपको दे दिया है, अब थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे हम रखते हैं चूड़ियाँ, जो दो ब्लॉक्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, ये फैंसी चूड़ीज हैं। यहाँ हम रखते हैं बच्चों के फैंसी हेयर बैंड्स। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो जो फैंसी हेयर बैंड्स पहनता है वो ऐसे होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं हमने। थोड़ा अगर मैं आगे जाऊँ, ठीक है, ये हमारा बेसमेंट है। और यहाँ पे कुछ ऊपर की तरफ आप देखोगे यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ हैं, मेटल की चूड़ियाँ हम रखते हैं यहाँ पे। और ये है बैंगल्स, ये भी सारी बैंगल्स है, ये सब बॉक्सेस में बैंगल्स रहती है। अलग अलग टाइप्स की बैंगल्स आती है, देखो ये बैंगल्स है, अलग अलग कलर्स की बैंगल्स रहती है। और ये जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सारे कलर्स की बैंगल्स यहाँ पर है। आप ये सारी जितने भी बॉक्सेस हैं ये सारे बैंगल्स के हैं, और हर बॉक्स में जो भी कलर की बैंगल है उसी का ही नाम बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा प्रॉपरली सेटअप करके रखते हैं हम ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो कस्टमर को सामान देने में। तो ये मैंने आपको दिया है इस पूरे पोर्शन का ओवरव्यू। अब चलते हैं अपन थोड़ा सेंटर की तरफ। ये जो सेंटर पार्ट है इसमें अलग अलग ब्लॉक्स बना रखे हैं हमने, हर एक ब्लॉक में अलग अलग कंपनीज का स्टॉक है। जैसे आप सामने देखोगे सबसे ऊपर, तो यहाँ पे आपको पॉन्ड्स के पाउडर, वाइल्ड स्टोन के पाउडर, व्हीट क्रीम, गुलाब जल, बॉडी वॉशेस, डिटॉल, ये सब मिलते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे आप देखोगे ज्वेलरी के आइटम्स हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम रखते हैं शैम्पूज़ का पूरा ये कलेक्शन है। यहाँ पे है, आपको दिखेगा जो छोटी साइज़ की बॉटल होती है शैम्पूज़ की, वो है। यहाँ बेबी प्रोडक्ट्स का कलेक्शन है। तो ऊपर वाली लाइन में आप देखोगे कि वहाँ पर सारे आपको बड़ी बड़ी बॉटल्स शैम्पू की, बड़ी बड़ी बॉडी लोशंस की, टेलकम पाउडर की बॉटल्स दिखेगी। फिर थोड़ा राइट की तरफ चलते हैं तो ऊपर आप देखोगे पूरा बॉडी लोशंस का रेंज लगी हुई है ऊपर, पॉन्ड्स, जॉय, वेजलिन, बोरोप्लस सबके हैं। फिर इससे नीचे पूरा डेडिकेटेड सेक्शन है हमारे पास में मामार्थ कंपनी का, हिमालया, देन यहाँ पे कुछ मिक्स में फेस वॉशेस पड़े हैं, बायोटिक, निविया एंड क्लीन एंड क्लियर के। फिर यहाँ पे आप देखो ये सारे सोप्स का कलेक्शन है, सिंथॉल, डव, हिमालया, फियामा, अलग अलग ब्रांड्स के। यहाँ हमने साइड में लगा रखी हैं बिंदीज। देखो क्या होता है बेसिकली, जैसे अगर ये चीज़ें हम नहीं लगाते यहाँ पे तो ये खाली दिखता है। तो इससे बेटर है अगर आपकी भी कोई शॉप है और अगर आपने ऐसा डिस्प्ले नहीं किया हो तो आपको भी मैं बताऊं कि ये खाली वोट दिखाने से बेटर तो यही है कि आप कुछ ऐसा लंबा चीज़ टांग दो जिससे क्या है कस्टमर की नज़र भी पड़ती है और मे बी उसको कुछ अच्छा लगता है तो वो आपसे बाय आउट कर लेगा, ठीक है। तो इससे आपकी सेल एक्स्ट्रा बढ़ती है, इससे आपकी क्रॉस सेल्स और जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है कस्टमर का वो बढ़ता है, ठीक है। सो यहाँ देखो आप, जैसे यहाँ पे छोटे बॉडी मॉइस्चराइजर्स है, यहाँ पे नीचे फेस ब्लीचेस हैं, यहाँ पे आप देखोगे बैंगल्स के बॉक्सेस हैं, अलग अलग कलर्स की बैंगल्स हैं। ये बेसिकली जो टाइप ऑफ बैंगल्स हैं ये लाख बोलते हैं, लाख मेनली क्या है राजस्थान में बहुत फेमस है, राजस्थान और बिहार में, तो ये यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लाख का पहनते हैं बैंगल्स, तो इसलिए हम लाख के बैंगल्स अपनी स्टॉक में काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में रखते हैं। यहाँ आप देखोगे सारे जो फेस क्रीम्स है वो सारा स्टॉक हमने यहाँ रखा हुआ है अलग अलग ब्रांड्स का। यहाँ आपको ट्यूब में जो भी क्रीम्स आती है जैसे ग्लो एंड लवली, बोरोप्लस, यू नो पॉन्ड्स की, ये सारे हैं। यहाँ पे फाउंडेशंस और फेस क्रीम का सारा स्टॉक रखा हुआ है। ऊपर आपको दिखेगा फेस वॉशेस, जॉय के फेस वॉश, ऊपर सनस्क्रीन्स हैं,
लैक्मी VLCC की सनस्क्रीन्स, ऊपर आपको दिखेंगे फेशियल किट्स, यहाँ है लॉरियल के कलर्स, यहाँ गार्नियर के कलर्स, और यहाँ पे आपको दिखता है जैसे देखो यहाँ पे आईलाइनर्स हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स की जो कलर कॉस्मेटिक आती है वो है, जैसे इनसाइट का है, जेल लाइनर है, स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, एलोवेरा जेल पतंजलि का है, टूथपेस्ट का कलेक्शन है, यू नो बॉडी रोल ऑन्स है, ये सारा स्टॉक हमने ऐसे रखा हुआ है। नीचे आप देखोगे कि ये कॉम है छोटे वाले, वी जॉन, ये हेयर कलर ट्यूब्स हैं, ठीक है, सो ऐसे हमने सारा स्टॉक सेटिंग वाइज रखा हुआ है। और अगेन ऊपर आप देखोगे कि जो बड़ी बॉटल होती है शैम्पूज़ की, जैसे डव का पंप साइज बॉटल दिख रही है आपको, हेड एंड शोल्डर की दिख रही है, तो सारे जो बड़ी बॉटल्स होती है वो सारा हम ऊपर की रैक पे रखते हैं। तो ये था दोस्तों हमारी सेंटर विंडो का पूरा ओवरव्यू। अब चलते हैं थोड़ा राइट की तरफ। सो सबसे पहले आप ऊपर देखोगे कि यहाँ पे आपको रूम स्प्रेस दिखेंगे, जैसे गोदरेज एयर का है, एक रिया सैंडल के नाम से आता है, और कॉर्नर पे आपको दिखेंगे कुछ फैंसी ब्रेसलेट्स हैं गर्ल्स के हिसाब से, डेनवर का डीओ एंड परफ्यूम का सेट है। ऊपर ऊपर आपको दिखते हैं जैसे यहाँ पे हम रखते हैं फेस सीरम्स, यहाँ पे बायोटिक की क्रीम्स रखते हैं, लोटस की क्रीम्स यहाँ पे, गार्नियर की यहाँ पे रखते हैं, फिर आपको ओले के प्रोडक्ट्स यहाँ दिखते हैं, पॉन्ड्स क्रीम दिखती है, और यहाँ पे हमने सारा रखा हुआ है छोटे साइज के ऑयल्स जो भी आते हैं, जैसे डाबर आलमंड, बजाज आलमंड ऑयल आता है, और यहाँ पे साइड में हमने रखे हुए हैं गार्नियर के फेस वॉशेस। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखता है सारे, जैसे डाबर आलमंड, पैराशूट ऑयल, ये सारा कलेक्शन जो ऑयल्स का कलेक्शन है वो हम इधर रखते हैं। नीचे की तरफ आपको अगेन यहाँ पे ये जो बॉक्सेस हैं, यहाँ पे आपको लाख के बैंगल्स दिखेंगे। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे हम रखते हैं अपने कॉम्ब्स, कंघे रखते हैं यहाँ पे, अलग अलग ब्रांड्स के, वेगा के कंघे आते हैं, लिली के कंघे आते हैं, वो हम रखते हैं यहाँ पे। देन आपको जो यहाँ पे जितने भी ये बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, यहाँ पे या तो आपको जो अलग अलग कंपनीज के लिपस्टिक्स हम रखते हैं, जैसे लैक्मी, मेबलिन, तो उनके जो टेस्टर्स आते हैं वो हम यहाँ पे रखते हैं। टेस्टर का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कस्टमर को लिपस्टिक खरीदनी होती है तो पहले हम उसको टेस्टर यानी कि उसको सैम्पल पीस दिखाते हैं, तो वो कस्टमर अपने लिए कलर पसंद करता है और फिर उसमें से उसको हम नया पीस निकाल के देते हैं। तो ये सारे सैम्पल पीसेज रखे हुए हैं यहाँ पे हमने, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वाला है, ये है, ठीक है, ये अलग अलग लिपस्टिक के सैम्पल्स हैं। यहाँ पे कुछ एयरिंग्स के बॉक्सेस भी मिक्स हो गए हैं, वैसे हम एयरिंग्स यहाँ से लेकर यहाँ तक रखते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जितने भी बॉक्सेस हैं ये सारे एयरिंग्स के बॉक्सेस हैं। हर डब्बे में अलग अलग एयरिंग्स का कलेक्शन है और हर डब्बे में हर कलर के एयरिंग्स हमने भर रखे हैं। जैसे अगर कस्टमर कोई आता है वो बोलता है हमको एयरिंग्स चाहिए, तो हम उनसे पहले पूछ लेते हैं कि कौन से कलर का एयरिंग्स दिखाएं, क्योंकि हम ज़्यादातर एयरिंग्स जो रखते हैं वो ट्रेडिशनल कलेक्शन ही रखते हैं। तो वो बताता है कि मेरे सूट का कलर ब्लू है, तो हम जैसे ब्लू कलर की डब्बा उठाते हैं, उसमें से सारे ब्लू कलर का कलेक्शन दिखा देते हैं उसको। इससे क्या है कि हम वही चीज़ निकालते हैं जिससे जो कस्टमर को चाहिए, ताकि हमारा टाइम भी बच सके। तो आप थोड़ा ऊपर चलते हैं अपन। अब मैं आपको इस विंडो का ओवरव्यू देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिखता है मोस्टली बैंगल्स का कलेक्शन है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ये लाख के बैंगल्स का कलेक्शन है, ठीक है, ये सारा लाख के बैंगल्स का कलेक्शन है। इसके ऊपर आप देखोगे कि गोल्डन प्लेटिंग वाली जो बैंगल्स आती है ये उसका कलेक्शन है। अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि छोटे साइज़ के परफ्यूम्स रखे हुए हैं, जैसे फॉग का छोटा परफ्यूम है, ऐसे यहाँ पे पिंक बेरी के छोटे परफ्यूम सेट्स हैं। ऊपर की तरफ आप देखोगे कि यहाँ पे आपको बेला वीटा के बड़े परफ्यूम्स के सेट्स मिलते हैं, ऊपर रिया बिंदास पिंक बेरी, और ऊपर आप देखोगे कि फॉग के बड़े परफ्यूम्स है, बेला वीटा है। यहाँ पे आप देखोगे कि वीनस के कुछ रेजर्स भी रखे हुए हैं और यहाँ पे हेयर स्पा भी रखे हुए हैं। और इससे ऊपर आप देखोगे कि जो जनरल आइटम्स होते हैं जैसे हिट, मॉर्टिन, ये सब है, नवरत्न ऑयल रखे हुए हैं अपन ने, और हेयर डेवलपर रखा हुआ है, ये सब चीज़ें रखी हुई है। राइट साइड में चलते हैं हम। यहाँ आपको दिखता है वेगा के हेयर ब्रशेस का स्टैंड। अलग अलग टाइप्स के हेयर ब्रशेस हैं, बड़े भी हैं, मीडियम भी है, छोटे भी हैं, सब टाइप के हैं। और नीचे आप देखते हो तो यहाँ पे आपको दिखता है अलग अलग कंपनीज़ के काजल का कलेक्शन। यहाँ पे जैसे आप देखो स्विस ब्यूटी है, ठीक है, लैक्मी है, एलिटीन है, मेबलिन कलोसल काजल है, ये सारे हम यहाँ पे रखते हैं। और एक जो इन चीज़ है दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ साइड में भी हमने स्टॉक रखा हुआ है। तो कभी कभार जैसे कस्टमर साइड से भी देख करके कुछ पसंद कर लेता है और हमको बताता है कि भैया ये चीज़ दे दो। देखो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये भी दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप फ्यूचर में कभी कोई शॉप खोलते हो या ऑलरेडी आपकी कोई शॉप है, तो आप देखो कि आपकी जो शॉप की जो खाली स्पेस है, क्या आप उसमें कोई सामान रख सकते हो जिससे आपकी दुकान की सेल्स बढ़े। फिर थोड़ा राइट में चलते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं और हर प्लास्टिक के बॉक्स में आपको देखो जैसे यहाँ पे ये क्लेचर्स हैं, लॉन्ग क्लेचर्स, इसको बनाना क्लेचर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल क्लेचर दिखते हैं आपको, ये भी लॉक वाले बनाना क्लेचर। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो भी लेडीज़ के हेयर एसेसरीज होती है वो हमने सारी यहाँ इन बॉक्सेस में रखी हुई है। और अब इन बॉक्सेस से ऊपर आप देखोगे कि यहाँ पे आपको सारा रबर बैंड्स का कलेक्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे सारे फैंसी प्लेन रबर बैंड्स है। और ऊपर थोड़ा आप देखोगे तो यहाँ पे हमने रखे हुए हैं रबर बैंड्स, प्लेन रबर बैंड्स जो आते हैं। और इसके ऊपर हमारा पूरा है डीओस का कलेक्शन,
अलग अलग ब्रांड्स के डीओज रखते हैं हम। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ईवा, एनवी, ब्रूट, डेनवर, ये सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। थोड़ा राइट में चलोगे तो यहाँ पे कॉटन बॉल्स, अगेन कोई भी खाली जगह नहीं छोड़नी है, जो भी जगह हो पाए उसका यूटिलाइज करना है। तो हमने यहाँ पे भरा हुआ है कॉटन बॉल्स, कॉटन पैड्स, शेविंग ब्रशेस, ये दो स्टैंड हैं, इन दोनों स्टैंड्स में ब्रशेस रखे हुए हमने। और अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे इस तरफ देखते हो और यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे जार पड़े हुए हैं, तो ये हर जार में आप देख रहे हो छोटे छोटे आइटम्स हैं, जैसे यहाँ पे लिप बाम है, ये क्रीम है, ये पाउडर का है। तो जो भी छोटे छोटे जार्स होते हैं वो सारे हम इस वाले काउंटर पर रखते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको मेरी पूरी दुकान का ओवरव्यू करवाया है और ये दिखाया है कि कौन सा सामान हम अपनी दुकान पे कहाँ पर रखते हैं। चलो दोस्तों तो अब मैं आपको मेरी दुकान के बेसमेंट में लेके चलता हूँ। तो आपने मेरी दुकान का ये साइड तो देखा ही था, तो यहीं से ही मेरी दुकान का बेसमेंट आता है। तो आइए चलिए अपन बेसमेंट में चलते हैं। सो बेसिकली हम क्या है, बेसमेंट में अपना स्टॉक ही रखते हैं, जो रनिंग आइटम्स होते हैं, जो ज़्यादा बिकते हैं वो हम बेसमेंट में रखते हैं। सो दैट कि हमको बार बार उस चीज़ सेम चीज़ का ऑर्डर नहीं देना पड़े और उसकी क्वांटिटी भी हमारे पास होगी, तो कभी कस्टमर अगर बल्क में ऑर्डर देता है तो हम उसको हैंड टू हैंड दे पाए वो, ठीक है। तो दोस्तों ये है मेरी दुकान का गोडाउन। देखिए हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो हम सारा यहाँ पे रखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बॉक्सेस हैं ये सारे बैंगल्स के हैं। आपने ऊपर भी देखा था, ऊपर भी बैंगल्स हैं हमारे पास में, तो उनकी जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है वो सारी यहाँ रहती है। साइड में आपको देखेंगे जैसे हमारे पास में कॉटन बॉल्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रहती है, कॉटन पैड्स की और इवन बैट वाइप्स की, तो हम सारे इधर कार्टून इधर बॉक्सेस में रखते हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि जो नेचुरल मेहंदीज होती है उनकी क्वांटिटी रखते हैं, और जो हेयर बैंड्स, रबर बैंड्स, जो डेली में चलने वाला आइटम्स होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे है रबर बैंड्स के बॉक्सेस हैं, यहाँ पे भी रबर बैंड के बॉक्सेस हैं। तो ये जो आइटम्स डेली चलते हैं उनको हम क्वांटिटी में मंगवा के रखते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे हैंड क्लचेस भी पड़े हुए हैं, और ये देखो ये है हमारी दुकान का प्रीमियम हेयर क्लिप्स का कलेक्शन। अगेन यहाँ पे भी कुछ बैंगल्स हैं, और यहाँ पे आप देखोगे ये है सिलाई वाले धागे। सो बस सारा जनरल आइटम जो होता है, जो डेली में बिकने वाला आइटम होता है और जिसकी क्वांटिटी एक्स्ट्रा होती है, वो सारा हम अपने गोडाउन में रखते हैं। ये सारे बॉक्सेस हैं, इनमें भी अलग अलग सामान है, जैसे हेयर बैंड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे है लूफा, ठीक है। तो ये है मेरी दुकान के बेसमेंट का कंप्लीट ओवरव्यू। तो चलो दोस्तों अभी मैंने आपको मेरी दुकान का बेसमेंट तो दिखा दिया, अब मैं आपको मेरी दुकान का फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे जाने का रास्ता थोड़ा साइड से होता है हमारे यहाँ पे। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ऊपर ये शटर है। अब इस शटर को मैं ओपन करूँगा और फिर हम ऊपर चलेंगे। तो ये देखो दोस्तों अब अपन चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे आप देखोगे कि साइड में काफ़ी सारा माल स्टॉक पड़ा हुआ है। एक्चुअली अभी हमको फर्स्ट फ्लोर पे फर्नीचर बनवाना है, इस वजह से क्योंकि स्टॉक तो बहुत ज़्यादा है और फर्नीचर प्रॉपर्ली बना नहीं हुआ है, इस वजह से क्या है माल ज़मीन पे रखना पड़ता है और कभी कभार जल्दबाजी में माल गिर भी जाता है। तो अभी आप जैसे देखोगे ये है मेरी दुकान का फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पर हम स्टॉक रखते हैं। यहाँ पर जो आपको स्टॉक दिख रहा है ये है हमारी दूसरी शॉप का, जो कि हमारी गारमेंट्स की शॉप है, उसका स्टॉक है यहाँ पर। चलिए अब अपन चलते हैं सेकेंड फ्लोर पर। सो यहाँ पे भी आप देख रहे हो स्टॉक ज़मीन पे ही पड़ा हुआ है, और ये है अपनी दुकान का सेकंड फ्लोर। यहाँ पे हम मोस्टली वही स्टॉक रखते हैं जो आउट ऑफ सीज़न होता है। जैसे बीच में अभी राखी का सीज़न था, तो राखियाँ बेच करके कुछ माल जो राखियों का बच गया वो हमने थैलों में भर के यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे ये जो आप डब्बे देख रहे हो दोस्तों, ये सारे राखी के डब्बे हैं। और जैसे जो हमारी दूसरी शॉप है गारमेंट्स की, तो जब सर्दियों का टाइम होता है तो हम वुलन्स का भी स्टॉक भरते हैं। तो जब सर्दियाँ चली जाती है तो फिर उसके बाद में आप तो वो स्टॉक की तो कोई डिमांड होती नहीं है, तो हम वो पैक करके सेकंड फ्लोर पर डाल देते हैं। चलो दोस्तों अब अपन वापस नीचे चलते हैं। तो दोस्तों ये था मेरी दुकान का कंप्लीट ओवरव्यू। मैंने आपको अपनी दुकान सामने से दिखाई और अपनी दुकान का बेसमेंट दिखाया और फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर भी दिखाया। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी दूसरी शॉप। तो चलिए अब अपन चलते हैं अपनी दुकान से बाहर। आगे की तरफ देखिए, जो सामने आपको एक शॉप दिख रही है वो है अपनी शॉप। देखो दोस्तों ये है पूरी मार्केट हमारी, ये पूरी हमारी मार्केट है। वहाँ अंदर की तरफ अपनी शॉप थी, वहाँ अंदर की तरफ, और ये है अपनी दूसरी शॉप, यहाँ मेरा भाई बैठता है। चलो अब मैं आपको अपनी दूसरी दुकान दिखाता हूँ। तो ये है हमारी दूसरी शॉप, इसका नाम है गुरु कृपा हौजरी एंड गारमेंट्स, और ये वाली शॉप पूरा मेरा भाई संभालता है। यहाँ आप देखोगे कि मोस्टली हम अंडर गारमेंट्स, हौजरी, लोअर, टी शर्ट वो हम रखते हैं, स्पेशली लेडीज़ वेयर ही रखते हैं, क्योंकि इस मार्केट में हमने मोस्टली यही देखा है कि जो बायर्स होते हैं वो लेडीज़ ज़्यादा हैं, इसलिए हम लेडीज़ वेयर में ज़्यादा ध्यान देते हैं।
और ये वाली जो शॉप है, इस शॉप में मेरा भाई और मेरे फादर बैठते हैं मोस्टली। कभी कभार अगर कॉस्मेटिक की शॉप पे कस्टमर ज़्यादा होते हैं और अगर मेरे पास स्टाफ नहीं होता है तो पापा आ जाते हैं उस तरफ, या कभी मुझे दोपहर में खाना खाने जाना होता है तो पापा बैठ जाते हैं पीछे और कस्टमर्स चलाते हैं, और फिर जब मैं आ जाता हूँ अपनी कॉस्मेटिक वाली शॉप पे तो पापा वापस इधर गारमेंट्स वाली शॉप पे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी दूसरी शॉप। आपने ये वाली शॉप मेरी कुछ शॉर्ट वीडियोज़ में भी देखी होगी। कुछ लोगों के कमेंट्स आते थे कि भैया आपकी जो दूसरी शॉप है वो कैसी है, कहाँ पर है, उसके बारे में भी बताओ। तो मैंने आज वो भी आपको दिखा दी इस वीलॉग में कि ये वाली शॉप कहाँ पर है। तो दोस्तों ये था मेरी शॉप का फुल वीलॉग वीडियो। आज मैंने आपको मेरी पूरी शॉप दिखाई, अपनी पूरी मार्केट दिखाई और हमारी दूसरी शॉप दिखाई। आई होप आप सबको मेरा फुल वीलॉग वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीलॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।